असलम फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉगिड विद मेरी उम्मीद करती हूँ सब लोग का रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा आज आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही वो है होम मेड समोसा कि किस तरह से आप घर पे समोसा पट्टी भी रेडी कर सकते हैं एंड आलू चिकन समोसा की ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ जिसको आपने रमजान में लाजमी ट्राई करना है तो सबसे पहले इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं एक प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लेना है उसके अलावा जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बॉयल्ड पोटैटोस उनको मैश करना है लेकिन बिल्कुल कचूमर नहीं उनका बना लेना उसके अलावा हमने चिकन लिया जिसको श्रेड कर लिया है और उसको जब हम बॉयल करेंगे तो उसमें उसमें आपने लहसन और नमक ऐड करना है उसके अलावा धनिया थोड़ा सा लेना है फ्रेश कोरिएंडर और उसके अलावा स्पाइसिस में आपने नमक लाल मिर्च पाउडर गर्म मसाला काली मिर्च धड़ा मिर्च और सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला ये इसमें हमने स्पाइसिस ऐड करने हैं उसके अलावा इमली का जो है वो पर्व जो है वो पड़ा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आपके समोसों में आएगा अच्छा रेशो आपकी ऑलमोस्ट ये होनी चाहिए कि आपके थ्री रेशो वन के हिसाब से आप अपना आलू और चिकन ले सकते हैं या टू रेशो वन के हिसाब से सा आलू ज़्यादा और चिकन की क्वान्टिटी थोड़ी कम और उसमें ज़ीरा भी हम ऐड करेंगे तो ये जो है वो सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके फिलिंग के लिए यूज़ हमने करने हैं समोसा फ़िलिंग के लिए इसको आपने ताज़ा ताज़ा फ्रेशली आप घर पे बनाएं और फ्राई करें तो आपको मज़ा आ जाएगा तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि, कि नॉन स्टिक पैन में दो से तीन चम्मच जो है ऑयल के ले लेने हैं और उसके अलावा हमने इसमें क्या करना है जीरा ऐड कर देना है जीरे को हमने फ्राई करना है जब ज़ीरे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है अच्छा अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो इसमें प्याज ऐड ना करें बट बेटर यही है कि आप इसको फ्रेशली बनाएं और इन्जॉय करें अब जो सारे मसाले मैंने आपको बताते हैं वो सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं लेकिन हमने चाट मसाला भी ऐड नहीं करना क्योंकि उसको हमने इतना ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है बाकी सारे स्पाइसिस को अच्छे से पकाना है तो वो हमने पहले ही ऐड कर दिए अब इसमें हमने चिकन और आलू भी ऐड कर दिए और क्योंकि इस पर कलर नहीं इतना अच्छा आ रहा तो थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर दें उसके बाद अब इसमें एंड में सबसे लास्ट में आपने चाट मसाला ऐड करना है फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर जो इमली का पल्प है वो आपने एक से दो चम्मच भर के डाल देना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना ताकि बहुत ही खट्टा भी ना हो जाए बहुत ही जो है वो बिल्कुल फीका सा भी ना हो लेकिन इसका फ़्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना लेकिन इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि वो सालन की फॉर्म में लगने लगे धनिया ऐड करें अच्छे से मिक्स कर लें बस चार तीन से चार मिनट उसको अपने टोटल पकाना है अब नेक्स्ट टाइम हमने जो रेडी करने के लिए जो है वो दो कप मैदा लिया है उसमें एक टी स्पून अजवाइन डालेंगे ज़ीरा डाल सकते हैं लेकिन ज़ीरा डालने से मोस्टली होता है कि आपकी पट्टी फट जाती है तो ज़ीरा मैं नहीं डाल रही हूँ उसके बाद उसमें हमने एक चम्मच जो है एक टी स्पून हमने नमक ऐड करना है और घी लेने हैं दो चम्मच मेल्ट करके आपने डाल लेना है बेस्ट ऑप्शन यही है अगर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप इसमें घी ऐड कर लें जब ये इस तरह से आपका मटेरियल जुड़ने लगेगा तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से उसकी मिक्सिंग कर ली है अब जब ये चीज़ें आपकी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमने आटा इसका गूंदना है तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एकदम से सारा ऐड नहीं करना क्योंकि हमने डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना डो जो है ना वो आपकी हार्ड होनी चाहिए उससे आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से आपने आठ से दस मिनट इसको गूँध लेना है और उसके बाद आपने इसको जो है बस क्लेंट से कवर करना है और आपने कुछ भी नहीं करना है गूंदने के बाद और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जब भी आपके हाथ पे ना चिपक रहा हो तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से नींद हो चुकी है गूंद चु... गूंदी जा चुकी है एक दफ़ा दोबारा से इसको आप इस तरह से फोल्डिंग कर सकते हैं और आपकी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है ठीक है अब आपने तकरीबन अस्सी ग्राम की जो है वो पेड़े ले लेने हैं और जिनके एजेस जो है ना वो बिल्कुल इक्वल उसमें होने चाहिए उनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए अब इस तरह से आप इसको मैदे पे ही दोबारा से पेड़ा रख के जैसे हम रोटी के लिए करते हैं वो ले लें और हमने इसको बेलना जो है ना वो हमने इसको लंबाई की शेप में बेलना है रोटी की तरह गोल नहीं करना ठीक है इस तरह से आपने इसको बेल लेना है जब ये आप इसको इस तरह से बेल लेंगे तो आपने इसकी हमने क्या करनी है इसकी कटिंग करनी है वो कटिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप इसको फोल्ड करें एक बीच में लाइन बन जाएगी इसको आप कटर से कट कर लें ठीक है तो ये आपका एक समोसा जो है वो उसका कब रेडी है इसकी जो आपने ये आपने सो फोल्ड जैसे करना है उसको बहुत गौर से देखिए कॉर्नर पर अपने पानी लगा के उसको ऊपर उसके मैंने उसको जोड़ के कोन बनाई है और अंदर जो आपका मैट मटीरियल अब रेडी है उसकी आप फिलिंग कर दें मेटीरियल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए फिर आपने फिलिंग करनी है इस तरह से दोबारा पानी लगाएं उसको बंद कर दें और आपका समोसा जो है वो रेडी हो चुका है फ्रेशली आपने डो बनानी है मटीरियल बनाना है उसको फ्राई करना है तो जो क्रिस्पी और मज़ेदार से आपके समोसे बनेंगे वाह 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 वा, आपको मज़ा आ जाएगा तो इस तरह से ऑयल में जो है वो बारी बारी फ्राई करना शुरू करते हैं समोसों को और आपने दो से ढाई मिनट एक साइड पे देना है दो से ढाई मिनट एक साइड पे देनी है आपकी घर की फ्रेश बनी हुई क्योंकि पट्टी होगी तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और अंदर का मटेरियल तो वैसे ही रेडी हो चुका है पहले ही तो इस तरह से आप फ्राई करते जाएंगे और उसको निकालते जाएंगे आप अपनी इफ़ारीियों में इसको ट्राई करें घर के लिए भी और कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो उनके लिए भी तो ये देखें घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ की तो बात ही वैसे भी और होती है तो इस तरह से आपके जो है वो आलू चिकन समोसा रेडी हो चुके हैं अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मैंने चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दें अल्लाह हाफिज़